বৃহৎ জয়ৰ পিছতে বিজেপিৰ দিল্লীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দলীয় কৰ্মী সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে। দুগৰাকী ওলাই আহিছিল আৰু এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহৎ বিজয়ৰ পিছতেই বিজেপিৰ দিল্লীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দলীয় কৰ্মী সম্বোধন কৰে। সম্বোধন জনায় আৰু হেট্ৰিক এক বিজয় ঐতিহাসিক জয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতেই তিনিগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং তিনিগৰাকীকে বিজয়ী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এনেদৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি জয় সেয়া সকলো সমৰ্থকসকলক লগত লৈ তেওঁলোকৰ উল্লেখ কৰিছিল যে মোদীয়ে এয়া আমাৰ জয় নহয়, এয়া হৈছে ভাৰতৰ জয়, জনসাধাৰণৰ জয়। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। আমি তেওঁৰ ভাষণৰ কিয় অংশ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছোঁ। ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को ভাৰত কি লোকতান্ত্ৰিক শক্তি কো পহচানা হোগা। ইস চুনাও মে মই পহলে দিন সে কহ ৰহা থা, ইয়ে চুনাও কোই দল নহি লড় ৰহা হে, কোই উমীদৱাৰ নহি লড় ৰহা হে, কোই নেতা নহি লড় ৰহা হে, ইয়ে চুনাও দেশ কি জনতা লড় ৰহি। जिनके आंख कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किल था, लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनार्दन ने प्रकट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजयी हुआ है तो हिंदुस्तान विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो लोकतंत्र विजयी हुआ है, अगर कोई विजयी हुआ है तो जनता जनार्दन विजयी हुई है और इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी एनडीए के साथी नम्रता पूर्वक इस विजय को जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में जो विजयी हुए हैं उन सभी विजेताओं को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी विजयी किसी भी दल से जीत करके आए हो
किसी भी पार्श्वभूमि से आए हो, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके भारत के उज्जवल भविष्य के लिए विजयी सभी जन, सभी प्रतिनिधि आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये चुनाव का विजय, कोई कहता है मोदी मोदी मोदी, ये मोदी का विजय नहीं है, ये देश में ईमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरिक की आशा आकांक्षाओं का विजय है। 21वीं सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है। ये विजय आत्मसम्मान आत्मगौरव के साथ एक शौचालय के लिए तड़पती हुई उस मां का विजय है। ये विजय उस बीमार व्यक्ति का है जो चार चार पांच पांच साल से पैसों के अभाव में उपचार नहीं करवा पा रहा था, जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशीर्वाद की विजय है। ये विजय देश के उन किसानों की है कि जो पसीना बहा करके राष्ट्र के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परेशान करते रहता है और खुद जहमत उठाता रहता है, ये उसकी विजय है। ये उन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की विजय है जिनको पहली बार, लेप के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेप का लेबल तो नहीं है, लेकिन 40 करोड़ लोगों के लिए, असंगठित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागू करके उनको सम्मान जीवन देने का काम किया है, ये उनका विजय है। उन बेघर जिंदगी गुजारते गुजारते आज पक्के घर में रहने गए हैं, उनका विजय है। और जिनका 2022 तक पक्का घर बनना तय है, उनका विजय है। भाइयों बहनों, ये विजय उन मध्यम वर्ग के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पालन करता रहा, जो देश की भलाई के लिए टैक्स देता रहा, लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और न ही कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुच में देश के काम आता है क्या। 5 साल में उसने अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, सही काम आ रहा है। उस मध्यम वर्ग के मन को जो संतोष हुआ है, वो संतोष इस चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है। ईमानदारी को जो ताकत मिली है, उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्वीकृति दी है। और इस प्रकार से जो बदलाव आया है, उस बदलाव ने ये परिवर्तन लाया है। अब इस देश में सिर्फ 2 जाति बचेगी, 2 जाति ही रहने वाली है, और देश इन 2 जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और 2 जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब, और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है
जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। पल भर याद कीजिए, यही समय है जब महात्मा गांधी के 150 वर्ष देश मनाएगा, यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के 75 साल मनाएगा। गांधी 150 और भारत 75, ये हमारे लिए इन 5 साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड़ करके देखें। 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था। स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए, जेल जाता था आजादी के लिए, खादी पहनता था आजादी के लिए, झाड़ू लगाता था आजादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजादी के लिए, स्वदेशी का पालन करता था आजादी के लिए। 42 से 47 तक, 47 तक एक जन आंदोलन ने देश को आजादी पाने में बहुत बड़ी मदद की थी। ये 2019 से 2024 ये कालखंड देश की आजादी के सिपाहियों का स्मरण करने का है और देशवासी भी तय करें कि इन 5 साल का हम 130 करोड़ लोग, उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी बड़ी सल्तनत को परास्त कर दिया था, आज हम 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है, देश को एक समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाना है, एक विकसित भारत बनाकर के साथ लेनी है, हमारे गरीब से गरीब की सामान्य आवश्यकताएं उसको पूर्ण करना है, अगर 2019 से 2024 जो स्पिरिट आजादी का था वो स्पिरिट समृद्ध भारत के लिए बन जाए, स्वतंत्र भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते।